वैशाली जिला के बिदुपुर थाना क्षेत्र के मनियारपुर में दिन दहाड़े गोली चली है। जी हां, आपने सही सुना, गोली लगने से युवक घायल हो गया है। युवक को बिदुपुर PSC से सदर अस्पताल रेफर किया गया। वहीं लोगों में दहशत का माहौल है। हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग को आक्रोशित लोगों ने घंटों जाम कर दिया। वहीं कथौलिया पंचायत के मुखिया उमेश शाह ने कहा कि दिन दहाड़े गोली चलाना प्रशासन को खुली चुनौती है। देखिए, कारण तो कुछ स्पष्ट नहीं है। सुने हैं कि बाहरी लोग हैं, अमरेश कुमार का नाम है, उसका पूर्व विधायक सतीश जी के शायद रसोईया भी रहा है, ये भी कन्फर्म नहीं है। थोड़ा देर के बाद कन्फर्म होगा। हम लोग आए तो सुने कि गोली चला और गोली दिन दहाड़े चला। ये इतनी बड़ी विफलता बिहार सरकार के, आए दिन रोज गोली चल रहा है। आम आवाम सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं, घर से घींच के गोली मारा जा रहा है, रोड पर निकलना मुश्किल है। अब लोग कहाँ जाए, कैसे सुरक्षित रहे, ये तो सरकार के मुखिया को तय करना है। ये तो सर कांड हुआ कितने बजे का हुआ? ये अभी से 10 से 15 मिनट पहले की घटना है। अभी तक प्रशासन भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। प्रशासन की भी सूचना दी गई थी स्थानीय आम लोगों के द्वारा। यहाँ पे चौकीदार जी हैं, चौकीदार जी भी सूचना दिए थे, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं है। उसको हॉस्पिटल भेजा गया है, जो इंजर्ड है। क्या नाम वाम कुछ पता है, कहाँ के लड़के अंदर गोली लगाई? नाम सुने सुल्तानपुर का अमरेश कुमार नाम के लड़का है। इसी गांव के बगल में कथौलिया गांव है, उस गांव में उसका रिलेटिव है, बहन रहता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर पप्पू यादव हुआ, जिला अध्यक्ष हूँ जन अधिकार पार्टी। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष पप्पू राय ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था बिहार में पूरी तरह डमाडोल है। दिन दहाड़े आम लोगों का निकलना मुश्किल हो चुका है।